कल्पना मुर्मू सोरेन कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो कल्पना ही है जो झामुमो की नई फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरी। गिरिडीह में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में सक्रिय राजनीति में लॉन्चिंग के बाद अब कल्पना मुर्मू सोरेन को पार्टी ने गांडे विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बतौर उम्मीदवार भी प्रोजेक्ट कर दिया है, भले ही इसका आधिकारिक ऐलान न हुआ हो। हालिया सभी रैलियों में खुद को हेमंत की हिम्मत के रूप में पेश करती आ रही कल्पना मुर्मू सोरेन इस समय गांडे प्रवास पर हैं। कभी सभाएं करती हैं तो कभी रैली, कभी पदयात्रा तो कभी जनसंपर्क अभियान। इस दरमियान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उत्साहित कर सकती है। दरअसल कल्पना की मौजूदगी में गांडे के अलग अलग इलाकों में जो भीड़ जुट रही है वो निश्चित रूप से विरोधियों को परेशान कर सकता है। कल्पना मुर्मू सोरेन के लिए इस समय सारे हालात अनुकूल हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन इस समय सोरेन परिवार के सबसे कद्दावर नेता हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है और दिसोम गुरु सीबू सोरेन की बहू है। इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उपजी सहानुभूति लहर तो उनके साथ है ही। गुरुजी के प्रति आदिवासी समाज में क्या भावना है किसी से छिपा नहीं है। इधर 2019 के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड की सियासत में एक राजनेता के तौर पर खुद को कैसे स्थापित किया ये भी सब जानते हैं। गुरुजी की तबीयत इन दिनों नासाज है और हेमंत जेल में है। कल्पना सार्वजनिक मंचों से गुरुजी की तबीयत और हेमंत को जेल के बारे में जब भावुक होकर बोलती हैं तो नीचे खड़ा जनसमूह कैसी प्रतिक्रिया देता है ये भी आपने देखा ही है। इस बीच जब गांडे में उपचुनाव की घोषणा हुई तो तय हो गया कि कल्पना ही झामुमो की उम्मीदवार होंगी। गांडे से सामने आई उनकी हालिया तस्वीरों से ये जाहिर भी होता है कल्पना गांडे में है। गांडे की जनता कल्पना की सभाओं में जुटती है। इस बीच ससुर की नासाज तबीयत और पति के जेल जाने के बाद जब सोरेन परिवार की बहू गांडे में पैदल ही सड़कों की खाक छान रही हैं, तो ये बात महिलाओं को भीतर तक छू रही है। गिरिडीह से सक्रिय राजनीति में लॉन्चिंग के बाद कल्पना का भाषण सबने सुना। सास रूपी सोरेन की नासाज तबीयत का जिक्र करते हुए भावुक होकर जब उन्होंने कहा कि मुझे माँ के पास होना चाहिए लेकिन विपक्ष की साजिशों का परिणाम है कि मैं यहाँ हूँ, तो नारे लगे थे, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। उन्होंने तब हेमंत कार्यकाल में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, केंद्र पर बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए और जमीन घोटाला केस में पति की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसके बाद बरहेट और फिर मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में कल्पना मुर्मू सोरेन ये बता पाने में सफल रही है कि झारखंड की सियासत में नए प्रभावशाली नेता का उदय हो चुका है। गौरतलब है कि खनन पट्टा लीज मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग की चिट्ठी का जिन गाहे बगाहे सामने आता रहता है, लिफाफा कभी खुला नहीं लेकिन इसकी आशंका बनी रही। चर्चा थी कि हेमंत की सदस्यता जा सकती है। इस बीच कथित जमीन घोटाला केस में समन दर समन के बाद उनको हिरासत में लिए जाने की आशंका गहरा रही थी। इन्हीं कयासों और अटकलों के बीच गांडे के तत्कालीन विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को इस्तीफा दे दिया। 30 जनवरी को सीएम आवास में हेमंत की अगुवाई वाली सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में कल्पना नजर आई। कयासों को बल मिला कि कल्पना सीएम होंगी और उनको गांडे से चुनाव लड़ाया जाएगा। दरअसल गांडे सामान्य सीट है, अल्पसंख्यक आदिवासी आबादी का समीकरण यहां झामुमो को मजबूत आधार देता है। कल्पना मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं, तो चुनावी राजनीति के लिए वह किसी सुरक्षित सीट से नहीं उतर सकती थी। यही वजह है कि गांडे को उनके लिए खाली कराया गया। यहां उपचुनाव को लेकर भी खूब चर्चा हुई। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में 1 साल से कम समय बचा है, उपचुनाव नहीं हो सकता। वहीं झामुमो कांग्रेस राजद ने जल्द चुनाव की मांग की। आखिरकार केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गांडे में उपचुनाव का ऐलान किया और कल्पना मुर्मू सोरेन भी रेस हो गई है। कल्पना गांडे में है और लगातार क्षेत्र की जनता से मिल रही है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। जनसंपर्क अभियान के दौरान जब कल्पना किसी गांव की गलियों से गुजरती हैं तो पीछे लोगों का हुजूम चलता है। इतना ही नहीं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष सब लोग उन्हें देखने अपने घरों की छत पर जमा हो जाते हैं, फूल बरसाते हैं और कौतूहल से देखते हैं। इस दौरान केवल झामुमो समर्थक ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी कौतूहल से यह देखने आते हैं कि झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू पूरे आत्मविश्वास से मैदान में मेहनत कर रही है। आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन कल्पना की गतिविधियां बताती हैं कि वही झामुमो की उम्मीदवार होंगी। गांडे का रण बहुत दिलचस्प होने वाला है। गांडे से सोरेन परिवार की विरासत की नई इबारत लिखने के लिए कल्पना मैदान में होंगी। देखते जाइए क्या क्या होता है।
The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.